Hello my dear friends, myself Vikas Yadav, a team member of Youth Power Academy. Aap sabhi logon ka Youth Power family mein swagat hai. This is the fourth module of the historical background of the Indian political system. Agar hum baat karte hain Indian political system ki, to humne sabse pehle hum aapko thoda sa ek brief view denge ki humne kya kya Indian political system ke background mein kya kya cover kar liya hai. To humne start kiya tha, sabse pehle humne start kiya tha early Vedic period से. उसके बाद हमने लेटर वैदिक पीरियड की बात की थी. हमने अर्ली वैदिक पीरियड में सभा एंड समिति के रोल के बारे में बात किया था. उसके बाद हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में कैसे इनका रोल डिक्लाइन होता है. उसके बाद हमने ये बात किया था कि जो इमर्जेंस ऑफ रिपब्लिक्स क्या होता है, रिपब्लिक्स का इमर्जेंस कैसे होता है, एंड स्पेशली रिपब्लिक्स के केस में हमने एक केस लिया था संघास का, कि संघास की फंक्शनिंग कैसे होती थी, कैसे वो जो करेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कैसे हम उसके साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, क्या क्या मेजर चेंजेज हुए थे. फिर हमने बात किया था कि कैसे जो हमारा रिपब्लिक्स जो थे उनका डिक्लाइन कैसे हुआ था, कि वाट वर द मेजर रीजन्स कि रिपब्लिक्स डिक्लाइन हुए, क्या मेजर रीजन्स क्या थे, आखिर उसमें क्लैन का क्या रोल था. तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको हमारे पुराने वीडियोस में जाना होगा. हमारे ऑलरेडी 3 मॉड्यूल्स हो चुके हैं, उन वीडियोस में जाना होगा. वहां तक हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर ली थी. हमने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्रीफ व्यू दिया था. तो आज हम अपने फोर्थ मॉड्यूल में गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम आपका मुगल एम्पायर तक आएंगे. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गुप्ता एम्पायर की, कि आखिर गुप्ता एम्पायर में जो आपका जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, क्या मेजर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स क्या क्या थे. तो हम स्टार्ट करते हैं गुप्ता एम्पायर की. अगर हम गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं, दैट वॉज मेनली बिटवीन द 319 AD से लेके 540 AD तक था. देखिए, अगर हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को वन ऑफ द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है. इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ व्यू देंगे कि आखिर उसको एक गोल्डन टाइम पीरियड कहा क्यों जाता था, कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन गोल्डन टाइम पीरियड कहा क्यों था. देखिए, अगर हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो मेजरली जो हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं, तो एक हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स थे फाहियान. जो फाहियान का जो अकाउंट था उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज द गोल्डन टाइम पीरियड. अगर हम बात करते हैं गोल्डन टाइम पीरियड का, ऐसा नहीं है कि इसके कोई क्रिटिसिज्म नहीं है. देयर वर आल्सो द सम क्रिटिसिज्म अबाउट दिस गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. तो चलिए हम थोड़ा सा एक ब्रीफ व्यू बताते हैं. देखिए, अगर हम बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज द माइल्ड एंड बेनिवेलेंट. यहां पे मेरा माइल्ड एंड बेनिवेलेंट से तात्पर्य है कि दे वर नॉट सो हार्स, वो बहुत ज्यादा हार्स नहीं थे. हार्स अगर बात करते हैं, दिस इज कंपेरेटिव वर्ड हार्स इन द सेंस. अगर हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वॉज समहाउ वेरी हार्स. उनका अगर हम बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जो अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जो आपके कौटिल्या थे, जो कौटिल्या की नीति थी उसमें वो बात करते हैं डंडा नीति मीन्स कि यहाँ पे एक हार्स पनिशमेंट की बात हो रही है. डंडा नीति मीन्स कि अगर इफ देर इज नो डंडा देन देर इज नो स्टेट, एंड इफ देर इज नो स्टेट देन देर इज नो प्रॉपर्टी. What it means? इसका तात्पर्य यह था कि आपको स्टेट को रन करने के लिए, स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए डंडा की जरूरत है. डंडा मीन्स एक हार्स पनिशमेंट की जरूरत है. लेकिन अगर हम बात करते हैं गुप्ता टाइम पीरियड की, तो जो हार्स पनिशमेंट था वो एक माइल्ड एंड बेनिवलेंट में कन्वर्ट हो जाता है. वो उदारवाद में कन्वर्ट हो जाता है, उदार होता है. मीन्स उनके कंपेरेटिव ये उतने हार्स नहीं थे, देवर द माइल्ड. ये था एक मेजर चेंज था. अब हम दूसरा अगर बात करते हैं एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की, तो इन द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता टाइम पीरियड जो लोगों का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था दैट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट. स्टेट उनके जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था. एंड अगर हम बात करते हैं उनके ऑटोनॉमी की, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की, तो जो स्टेट था वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता था कि
आखिर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता था वो अपने तरीके से जी सकता था, उसमें स्टेट का ज्यादा इंटरफेयर नहीं रहता था। और भी हम कुछ बातें करेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो गुप्ता जो गुप्ता टाइम पीरियड था उसको गोल्डन टाइम पीरियड क्यों कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं गुप्ता टाइम पीरियड की, तो हमने स्पेशली हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फाहियान के अकाउंट से हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पीरियड के जो जो आपके रोड्स होते थे वो जो थे क्या थे कि वो सुरक्षित थे। अगर कोई ट्रैवलर उस पर ट्रैवल करता था कि तो वो क्या थे, वो सुरक्षित थे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि उन वहाँ पे जो पहले जो ठगी चोरी ज़्यादा प्रेविलेंट थी अब नहीं थी, वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते थे, जो ट्रेवलर्स थे एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जा सकते थे। ठीक है, ये भी ये गुप्ता टाइम पीरियड का एक विशेषता है। इसके अलावा भी हम बात करते थे कि अगर वहाँ पे जनरली एक जनरल सेंस में बात करें कि जो पीपल जो होते थे तो वो जनरली क्या थे, प्रॉस्पेरस थे, कि मतलब सभी लोग प्रॉस्पेरस थे, खुश थे। इन सभी कारणों की वजह से गुप्ता टाइम पीरियड को एक गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता था। अब हम आते हैं स्पेशली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आखिर जो गुप्ता टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे गवर्न होता था, कैसे रन होता था, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारे हिस्ट्री में जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है, तो हम गुप्ता एम्पायर की जब बात करते हैं तो देखिए गुप्ता एम्पायर की जब बात किए जाते थे सबसे पहले ऊपर होता था एम्पायर। ठीक है, जो एम्पायर होता था उसका हेड कौन होता था, किंग, राजा। यहाँ पे राजा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि हम राजा को सम्राट भी बोल सकते थे, महाराजा धीराज भी बोलते थे, चक्रवर्ती भी बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद राजा के नीचे दो इंपॉर्टेंट ऑफिसियल्स होते थे, द फर्स्ट वन इज कुमार मात्यास एंड सेकेंड वन इज आयुक्ताज। जो कुमार मात्यास आयुक्ताज होते थे ये स्पेशली किंग के नीचे होते थे, जो कि प्रिवेंसीज के बारे में राजा को इन्फॉर्म करते थे, उनके गवर्नमेंट उनके वो उनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, क्या क्या है, उसका देख रेख कुमार मात्यास एंड आयुक्ताज के अंदर आता था। अगर हम बात करते हैं एम्पायर, तो द एम्पायर जो फर्दर जो डिवाइडेड होते थे, दे वर द फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेवरल प्रोविंसेस। एम्पायर जो था वो फिर जो है जो काफी प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था। यहाँ पे जो प्रोविंसेस हैं उनको भुक्तीज कहा जाता था, प्रोविंसेस वर नोन एज भुक्तीज एंड द भुक्तीज वर अंडर द उपारिकाज। जो भुक्तीज होती थी वो उपारिका के अंदर आती थी। यहाँ पे हम करेंट अगर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से कंपेयर करें तो भुक्तीज वर नोन एज प्रोविंसेस एंड उपारिकाज वर लाइक गवर्नर, गवर्नर की तरह उपारिका काम करते थे। उसके बाद जो भुक्तीज थी दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द विषयाज एंड द विषयाज वर अंडर द विषयापति। अगर हम इसको करेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करें तो विषयाज वर लाइक डिस्ट्रिक्ट एंड विषयापति वर लाइक कलेक्टर, आर लाइक द कलेक्टर। इट मीन्स विषयाज वर द डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वर अंडर द विषयापतिज एंड द विषयाज वर फर्दर डिवाइडेड इन टू द विलेज एंड द विलेज वर अंडर द ग्रामिकाज। जो ग्रामिकाज जो होते थे वो जो है विलेज को हेड करते थे। इसका मतलब हमने यहाँ पे चार यूनिट्स के बारे में बात किया। सबसे पहली यूनिट यहाँ पे होती थी जो आपका एम्पायर होता था, दूसरी यूनिट होती थी भुक्तीज जो प्रोविंसेस की तरह थी जिनका हेड उपारिका होता था, उसके बाद जो भुक्तीज वो फर्दर डिवाइड की जाती थी विषयाज में जिनका हेड विषयापति होता था एंड द विषयाज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द विलेज जिनका हेड कौन होता था, ग्रामिकाज। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा गुप्ता एम्पायर के बारे में। देखिए हम यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे जिनका एक वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था। ऐसा नहीं था कि हम सभी पॉलिटिकल रूलर्स के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं, हम एक आपको एक लार्जर पिक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आखिर हमारा जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था कि अभी तक के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तक हम आए कैसे हैं वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से हमको
इन चीजों को जानना जरूरी है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं चोला एम्पायर की, क्योंकि हमने ज़्यादातर हम जहाँ तक एम्पायर की बात करते हैं तो हम नॉर्दर्न एम्पायर की ज़्यादा, नॉर्दर्न एरियाज के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो आखिर साउदर्न एरियाज में क्या हो रहा था उस टाइम में, साउदर्न एरियाज में क्या एक मेजर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। देखिए अगर हम साउदर्न एरियाज की बात करें तो हमको यहाँ पे चोलाज का जिक्र करना होगा, क्योंकि चोलाज इज वेल डिफाइंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड चोलाज वर आल्सो फेमस फॉर द विलेज ऑटोनॉमी। ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत फेमस थे, तो हम यहाँ पे उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, तो हमको उनका जिक्र यहाँ पे करना होगा। देखिए जहाँ तक बात करते हैं चोलाज की, तो जैसा कि मैंने कहा कि दे वर फेमस फॉर द एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस समय था। एंड चोलाज वर आल्सो फेमस फॉर द बिग सिटीज, बिग सिटीज लाइक आपके थे तंजौर, आपके थे गंगई कोंडा चोलापुरम, देवर द फेमस फॉर दिस एंड देवर आल्सो फेमस फॉर द रॉयल कोर्ट एंड देवर आल्सो फेमस फॉर द एक्सटेंसिव ग्रांट टू टेम्पल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चोलाज की जो एडमिनिस्ट्रेशन की, दे हैड एक्सीलेंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे हैड एक्सीलेंट ऑर्गेनाइज मिलिट्री। यहाँ पे ऑर्गेनाइज मिलिट्री का यहाँ पे बात मैं अगर करूँ तो उनके पास वो स्टेशनरी आर्मी उनके पास थे, कि उनके पास एक करंट स्टेशनरी आर्मी हमेशा रहती थी। तो दे हैव एक्सीलेंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे हैव एक्सीलेंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स वाई वी कैन नॉट इग्नोर चोलाज, हम चोलाज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए हम अब आगे चलते हैं कि आखिर चोला जो एम्पायर था वहां पे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था कैसे रन करता था, कैसे गवर्न करता था। देखिए सबसे चोला एम्पायर अगर हम बात करते हैं तो दैट वाज मेनली इमर्ज इन 9th सेंचुरी एंड अगर हम उनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पायर की। जो एम्पायर उनका होता था दैट वाज डिवाइडेड इनटू द मंडलम, इसका मतलब सबसे ऊपर क्या होता था एम्पायर, एम्पायर को हम किस में डिवाइड करते थे, मंडलम में। मंडलम अलग अलग मंडल्स होते थे जिनको कई मंडलम में डिवाइड किया जाता था। मंडलम वॉज लाइक भुक्ति, मंडलम वॉज लाइक प्रोविंसीज। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे भुक्तीज, वहाँ पे प्रोविंसीज का, भुक्तीज को प्रोविंसीज की तरह जाना जाता था, यहाँ पे ये मान सकते हैं कि प्रोविंसीज जो थी वो उनको मंडलम माना जाता था, देवर नोन एज मंडलम। उसके बाद क्या होता था, जो मंडलम थे वो फिर से देवर फर्दर डिवाइडेड इंटू वलनाद वॉज लाइक डिस्ट्रिक्ट, ये बोल सकते हैं। ठीक है, एंड द वलनाद वर फर्दर डिवाइडेड इन टू द नाद एंड द नाद जो होता था, जो नाद होता था वो कंसिस्टिंग सेवरल विलेजेस, मतलब नाद क्या होता था वो काफी एक विलेजेस का जो समूह होता था वो नाद होता था, उसको नाद के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेजरली उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे रन कर रहे हैं, वो ज़्यादा चेंजमेंट यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्पायर हो जाता है, उसके बाद मंडलम हो जाता था प्रोविंसेस के प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट के प्लेस पे वलनाद हो जाता था, उसके बाद नाद होता था, उसके बाद जो विलेज होता था अलग अलग। तो ज़्यादा चेंज उनके जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में है वो ज़्यादा चेंज नहीं होते थे। यहाँ पे मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मंडलम थे, तो जो मंडलम होते थे देवर मेजरली द रॉयल प्रिंसेस, देवर मेजरली अंडर द रॉयल प्रिंसेस, जो रॉयल प्रिंसेस होते थे राजा के अंदर, राजा जो होता था उनके जो बेटे वगैरह होते थे वो वही मंडलम के गवर्नर की तरह बिहेव करते थे। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि अब मोनार्कियल फॉर्म ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई है, तो यहाँ पे इलेक्टिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे सब मोनार्कियल की बात चल रही है। तो मोनार्कियल में क्या होगा, मोनार्कियल में राजा होंगे, राजा के बेटे होंगे, राजा जो होते थे वो किंग होते थे, उनके बेटे जो होते थे वो अलग अलग प्रोविंसेस के क्या होते थे, गवर्नर की तरह बिहेव करते थे, वो गवर्नर होते थे, वो इम्पॉर्टेंट पोजिशन एक्वायर करते थे, उनको इम्पॉर्टेंट पोजिशन दिया जाता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात किया हमने चोला एम्पायर की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर आगे चलते हैं तो हमको अब आगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। वन मिनट, यहाँ पे हमको एक चीज़ हमने यहाँ पे स्किप किया। देखिए
अगर हम चोला एम्पायर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करते हैं कि देवर फेमस फॉर द एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक चीज़ की वजह से वो और भी फेमस थे, देवर आल्सो फेमस फॉर द विलेज ऑटोनॉमी, ठीक है, वो उस वजह से विलेज ऑटोनॉमी की वजह से भी फेमस थे। अब मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन दूंगा कि ये जो विलेज ऑटोनॉमी क्यों ज़्यादा फेमस थी उस समय पे, वो क्यों चोला एम्पायर में विलेज ऑटोनॉमी की बात की जाती थी। देखिए, जो चोला के समय में जो विलेज होते थे देवर मोस्टली ऑटोनॉमस थे, एंड देवर जो आपकी जो विलेज होती थी, जो ऑटोनॉमी होती थी, जो विलेज होता था देवर, वहां पे क्या होता था, सभा होता था, सभा वर लाइक विलेज काउंसिल, ठीक है, सभाज को विलेज काउंसिल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद जो आपके जो विलेज काउंसिल होते थे, जो विलेज काउंसिल होते थे उनके क्या है, अलग अलग मेंबर्स होते थे, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि आखिर विलेज काउंसिल के मेंबर्स कौन होते थे, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करना चाहूंगा कि जो आपके जो चोलास थे वहां पे विलेज क्या था, ऑटोनॉमस थे, और जो विलेज थे देवर डिवाइडेड इंटू द सेवरल वार्ड्स, ठीक है। वो क्या होते थे, जैसे कि आप करंट में भी देखते होंगे कि पंचायत का जो चुनाव होता था, या आप ये देखते हैं जो हमारे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, अलग अलग वार्ड होते थे, सेम उसी तरह उस टाइम पे भी क्या होते थे कि जो विलेज होते थे वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किए जाते थे, ठीक है। और जो वार्ड में, हर वार्ड से क्या होता था, एक मेंबर चुना जाता था विलेज काउंसिल में, विलेज सभा में, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करना चाहूंगा आखिर जो मेंबर्स होते थे वो किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते थे। देखिए, वार्ड्स के जो मेंबर्स होते थे वो कैसे डिसाइड किए जाते थे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन होती थी आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ जमीन होनी चाहिए, लैंड आपके पास एक लार्ज अमाउंट होना चाहिए, यहां तक कि उस समय उम्र भी डिसाइडेड थी कि 30 से 70 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, और दूसरा तीसरा कि आपको वेदों का अच्छा ज्ञान हो। अगर ये तीन कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप क्या होते थे, जो आपका विलेज काउंसिल होता था उसके मेंबर बनने के लिए आप क्वालिफाइड होते थे, ठीक है। तो क्या होता था, हमने क्या बात किया, विलेज क्या थे, विलेज डिवाइडेड किए जाते थे अलग अलग वार्ड्स में, हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता था विलेज काउंसिल के लिए, ठीक है, सभा, विलेज काउंसिल के लिए जो कि सभा की तरह बिहेव करते थे, ठीक है। अब देखिए, विलेज काउंसिल का क्या काम होता था, विलेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि आखिर यहां पे जो विलेज काउंसिल है, जो सभा है, कैसे एक्ट करती है, और हमने यहां पे ये भी आपको बताना चाहा कि आखिर वहां पे विलेज ऑटोनॉमी को इतना जोर क्यों दिया गया, ठीक है, कि विलेज उस समय ऑटोनॉमस क्यों थे। चलिए, तो हमने ये सब चीजें बात की चोला एम्पायर में। अब हम आगे बढ़ेंगे आपका दिल्ली संतनत में। देखिए, अगर हम बात करते हैं दिल्ली संतनत की, तो जो दिल्ली संतनत की जब बात की जाती है तो दैट वाज बिटवीन द 1206 एडी से 1526 एडी तक, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे की जाती है, देखिए, अब हमने क्या किया, यहां पे अलग अलग यूनिट्स थी। अब हम जब दिल्ली संतनत में आते हैं, देखिए, हमने पहले भी बात किया था कि डिपार्टमेंट्स का इमर्ज हो चुका था, हमने बात किया था कि कई डिपार्टमेंट्स पहले भी होते थे, किंग क्या होता था, एक राजा होता था, राजा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। लेकिन अब हम जब आते हैं दिल्ली संतनत में, तो यहाँ पे एक इमरजेंस जो डिपार्टमेंट्स का है, ये क्लियर इमरजेंस होता है, यहाँ पे एक क्लियर डिफ्रेंसिएशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, ठीक है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे क्लियर उद्भव होता है, ये मोर विजिबल फॉर्म में आते हैं, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं उन डिपार्टमेंट्स की कि आखिर डिपार्टमेंट्स का क्या रोल होता, क्या होता था, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते थे, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या होता था दिल्ली संतनत में, सबसे ऊपर होता था सुल्तान, एंड उन सुल्तान के जो नीचे थे वो देवर द सेवरल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते थे, ठीक है। तो यहां पे मैं एक विशेष बात करना चाहूंगा, यहां पे मैं बात करना चाहूंगा नायब की। नायब को क्या, नायब वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन था किंग के अलावा, सुल्तान को छोड़, जो कि एक सभी डिपार्टमेंट्स जो होते थे उनके ऊपर एक जनरल कंट्रोल रखता था, मतलब सबसे ऊपर सुल्तान होता था,
उसके नीचे कौन होता था? नायब होता था। नायब क्या होता था? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मैंने बात की थी उनके ऊपर एक जनरल कंट्रोल लगता था और सुल्तान को उनके बारे में सूचित करता था। ठीक है, तो चलिए अब हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, दो चीज़ यहाँ पे आप जान लीजिए कि यहाँ पे मैं जब बात करूँगा वजीर की, जब मैं बात करूँगा अरिज ए मामलुक मामलिक की, जब मैं बात करूँगा सदर की, जब मैं बात करूँगा काजी की, ये क्या है? ये चारों ये डिपार्टमेंट्स के हेड हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा आगे, मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट्स की, उस समय डिपार्टमेंट्स कौन होते थे? देखिए, उस समय डिपार्टमेंट्स को दीवानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसे आज बात किया जाता है फिनांस डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया जाता था, वहां डिपार्टमेंट के जो वर्ड जो यूज किया जाता था वो वर्ड यूज किया जाता था दीवानी। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दीवानी वजीरत। दीवानी वजीरत वॉज नोन एज फिनांस डिपार्टमेंट। ठीक है, वो फिनांस डिपार्टमेंट उसको कहा जाता था। फिनांस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? दीवानी वजीरत, याद रखिए। और जो उसका जो दीवानी वजीरत का जो हेड होता था उसको वजीर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा दीवाने अरिज। दीवानी अरिज का मतलब क्या होता था? दिस इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री डिपार्टमेंट, और उसका हेड कौन होता था? अरिज ए मुमलिक। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट क्या था? दीवानी रसालत। दीवानी रसालत को डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के भी नाम से जाना जाता था, और उसका जो हेड होता था उसको सदर के नाम से जाना जाता था, SADR। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ डिपार्टमेंट की, दैट इज जुडिशियल डिपार्टमेंट। और जो जुडिशियल डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था? काजी। तो यहां पे देखिए, तो एक फिर से एक रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं। सबसे पावरफुल कौन होता था? नायब होता था। उसके बाद दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पहला था दीवाने वजीरत, दैट वॉज अंडर द वजीर। दीवाने अरिज, दैट वॉज अंडर द अरिज ए मुमलिक। एंड दीवानी रसालत, दैट वॉज अंडर द सदर। एंड द जुडिशियल डिपार्टमेंट, दैट वॉज अंडर द काजी। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखिए अब हम क्या देखें, अभी तक क्या देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं एक सेम प्रोसीजर अपना रहे हैं, वो यूनिट्स सेम हैं, बस उनका नॉमनक्लेचर चेंज हो रहा है। आखिर हम वही नॉमनक्लेचर, देखिए यूनिट्स सेम है लेकिन नॉमनक्लेचर चेंज हो रहा है। यूनिट्स यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स क्यों डिवाइड की गई? क्योंकि ये क्या था, ये आपको मोर इजियर फॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को मोर एफिशिएंटली रन कर सकें। तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, स्पेशली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो होता था वो होता था सुल्तान। ठीक है, या आप बात कर ये भी बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर होता था एम्पायर, द एम्पायर वॉज अंडर द सुल्तान। ठीक है, एंड द एम्पायर वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू, सल्तनत वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू इक्ताज एंड द इक्ता वॉज लाइक प्रोविंसीज एंड इक्ताज वर अंडर द मुक्तीज और वालीज। देन फर्दर द इक्ताज वर फर्दर डिवाइडेड इंटू द सिख वर अंडर द सिखदार एंड द सिख वर फर्दर डिवाइडेड इंटू द फरगना एंड परगना वर अंडर द आमिल। Then further the Paragna were further divided into the villages. It means, what it means, हम ये और भी क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि the Paragna was under, Paragna consisting several villages. इसका मतलब काफी जो एक villages का जो group है, ये काफी जो आपके village 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो village के group है ये मिलके क्या बनाते थे? Paragna. ठीक है, उसके बाद अब यहां पे मैं बात करूंगा कि द विलेज द परगना वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेज एंड द विलेज वाज अंडर द मुकद्दम और चौधरी। ठीक है, यहां पे मैं एक विशेष, यहां पे एक और नामनक्लेशन यहां पे यूज करूंगा कि यहां पे पटवारी शब्द का भी यूज किया गया है, पटवारी वर्ड का भी यूज किया गया है। पटवारी वाज नोन एज विलेज अकाउंटेंट। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं कि अभी भी आप पटवारी शब्द को, अपने पटवारी वर्ड को आप सुन सकते हैं कि पटवारी वर्ड, लेकिन पटवारी वर्ड यहाँ पे क्लियरली यूज किया गया है डेली सल्तनत में, ठीक है, कि दैट वॉज विलेज अकाउंटेंट, कि जो विलेज के जो जो संबंधित जमीनें जो थी उस समय उनका लेखा जोखा, इन सब चीज़ों के बारे में लेखा जोखा कौन रखता था, वो आपका पटवारी रखता था, ठीक है। चलिए, तो हमने बात कर लिया दिल्ली सल्तनत की, उनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कैसे रन होता था, हमने उनकी बात की पॉलिटिकल यूनिट्स की, सो मेनी थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम मिडाइवल पीरियड में आ चुके हैं, ये सब चीज़ें सब मिडाइवल पीरियड की ही हो रही हैं, हमने एंशिएंट टाइम में काफ़ी बात किया, हम ये सब चीज़ें मिडाइवल पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं मिडाइवल पीरियड की, तो हम इस एक व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, दैट ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर द ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड दैट वॉज शेरशाह सूरी। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें, तो उन्होंने उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 5 सालों तक ही चला था, दैट वॉज बिटवीन 1540 टू 1545। लेकिन अगर हम उनके बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो दैट वॉज वेरी एक्सीलेंट ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ही वॉज फेमस फॉर द ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एंड क्या था उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था क्या, देखिए, तो हमने यहाँ पे बात किया कि देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स का है, डिपार्टमेंट जो हमारे हो रहे हैं, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स इमर्ज हो रहे हैं, उनका एक क्लियर व्यू इमर्ज हो रहा है, एक क्लियर डिफ्रेंसिएशन इमर्ज हो रहा है, तो हम शेरशाह सूरी ने भी काफ़ी हद तक इस सिस्टम को फॉलो किया, एंड वहाँ पे भी एक जो डिपार्टमेंट वाला सिस्टम था उसको फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ऊपर जो शेरशाह सूरी जो होते थे, उनका अपना एक जो एम्पायर था, तो वो जो किंग थे उनके अंदर क्या आते थे, सेवरल डिपार्टमेंट्स होते थे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किंग की, तो द किंग वॉज असिस्टेड बाई द 4 इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर वो 4 इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन थी जो कि किंग को असिस्ट करती थी, टू एड एंड एडवाइज करती थी। देखिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दैट वॉज लाइक ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो करेंट टाइम में है, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो उस समय का जो किंग होता था, जो राजा होता था, वो ही वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाई द 4 इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज वर फर्स्ट मिनिस्ट्री वॉज दीवान वजीरत एंड दैट वॉज अंडर द वजीर, ठीक है। द सेकेंड वन वॉज द दीवान अरिज दैट वॉज इन चार्ज ऑफ आर्मी, ठीक है। वजीर, यहाँ पे हमने बात किया वजीर का, तो वजीर मीन्स फिनांस डिपार्टमेंट, ठीक है। जो वजीर, जो दीवान वजीरत था, वो दैट वॉज फिनांस डिपार्टमेंट था। देन दीवान अरिज दैट वॉज इन चार्ज ऑफ आर्मी, आर्मी से रिलेटेड संबंधित चीज़ें डील करता था। उसके बाद दीवान रसालत, हमने ये दीवान रसालत यहाँ पे देखिए, दीवान रसालत दैट वॉज फॉरन मिनिस्टर, ओके। देन दीवान इंसा, दीवान इंसा मीन्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट्स का है, ये फर्दर डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। और एक क्लियर व्यू आ रहा है डिपार्टमेंट्स का, कि हम जो डिपार्टमेंट्स पहले कम थे, वो फर्दर ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किए गए। फिर यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी आ गए, तो एक क्लियर डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, कि आखिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो कैसे गवर्न होता था, ठीक है। देखिए, जो आपका शेरशाह सूरी का जो एम्पायर था, दैट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू द 47 सरकार। देखिए, सरकार वर लाइक प्रोविंसेस, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे पहले ही बात कर रहे हैं कि यूनिट्स चेंज हो रही हैं, लेकिन नॉमन क्लेचर यूनिट्स वही हैं, लेकिन नॉमन क्लेचर चेंज हो रही हैं। कुछ जगहों पे यूनिट्स भी एक दो बढ़ी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो एम्पायर जो उनका डिवाइड किया जाता था, दैट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू द 47 सरकार एंड द सरकार जो था उनका स्टेट था, वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन थे। फर्स्ट वन वॉज द चीफ सिकदार, ही वॉज मेनली रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर, ही वॉज मेनली डीलिंग विद द लॉ एंड ऑर्डर। सेकेंड वन इज चीफ मुंसिफ,
he was judge. It means जो judiciary process था उससे chief munship deal करता था. Then further the सरकार were divided into the paragana. ठीक है, अब हम बात करते हैं paragana की. तो paragana पे यहाँ पे चार important officials आते हैं. पहला important official था सिकदार. जो सिकदार था वो he was mainly dealing with the military. The second official was the amin. He was mainly dealing with the land revenue. The third one is फोटेदार, that was mainly dealing with the treasury. Then fourth one is कारकुंस. कारकुंस was mainly dealing with the accountants, account departments से deal करता था. Then the paragnas were further divided into the village. ठीक है, तो ये हमने शेरशाह सूरी के जो administrative system के बारे में बात किया, हमने शेरशाह सूरी के जो उनका department जो excellent administrative system था उसके बारे में बात किया. So many things we talked about कि शेरशाह सूरी को हम क्यों निग्लेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे हम जैसा कि हमने एक चीज स्किप किया कि जो शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1540 से 1545 AD. इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. तो हमने ये शेरशाह सूरी के बारे में बात किया कि उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था. चलिए, तो हमने बात कर लिया दिल्ली सल्तनत की, हमने बात कर लिया शेरशाह सूरी की, तो अब हम आते हैं मुगल एम्पायर की. ठीक है, आखिर मुगल एम्पायर में क्या मेजर चेंजेस थे. देखिए, अगर हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर पे अब यहां तक आप एक क्लियर व्यू आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यूनिट्स कैसे इमर्ज हो रही हैं. ठीक है, यूनिट्स कैसे इमर्ज हो रही हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं. मतलब आप देख रहे होंगे यूनिट्स में ज्यादा चेंजमेंट नहीं आता है, कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं. ठीक है, बस उनका नामनक्लेचर चेंज हो रहा है, वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो फॉलो कर रहे हैं. क्योंकि सबको पता चल गया था कि हम जब क्या कर रहे हैं, एम्पायर को डिवाइड कर रहे हैं, प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस को डिवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरह इमर्ज हो रहा है, जिसको कि आने वाले जो किंगडम्स हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की, तो जो मुगल एम्पायर था वो मेनली दैट वॉज बिटवीन द 1526 AD से लेकर 1857 AD तक, वो मतलब उसको हम मुगल एम्पायर को कंसिडर करते हैं. तो चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मुगल एम्पायर जो था वो वहाँ पे क्या एक डिफरेंशिएशन था, वहाँ पे क्या मैकेनिज्म जो है फॉलो किया जाता था. तो वहाँ पे देखिए जो एम्पायर था दैट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द सूबा. सूबा सूबा वाज लाइक प्रोविंसेस. ठीक है, एंड द सूबा वर अंडर द सूबेदार, उसको निजाम के नाम से भी जाना जाता था और सिपाह सलार के भी नाम से जाना जाता था. एंड द सूबा वर फर्दर डिवाइडेड इन टू सरकार. ठीक है, सूबा को फिर अलग अलग सरकार में बांटा जाता था. ठीक है, एंड द सरकार की जब हम बात करते हैं वहां पे दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात आती है. पहले आते हैं फौजदारी. फौजदारी क्या करते थे, वो होता था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. एंड द सेकेंड वन इज आमिल. आमिल क्या होता था, वो होता था रेवेन्यू का हेड. उसके बाद जो सरकार है वो फिर से अलग अलग परगनाज में डिवाइड किए जाते थे. और जब हम परगनाज की बात करते हैं तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आते हैं. पहला इंपॉर्टेंट ऑफिसर आता है सिकदार, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑफिसर आता है कानूनगो. जो सिकदार जो था आपका वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था, एंड आपका जो कानूनगो होता था वो आपका रेवेन्यू हेड होता था. ठीक, देन द परगना वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द विलेजेस. और अगर हम विलेज लेवल की बात करते हैं तो जो विलेज का जो हेड होता था उसको हम मुकद्दम के नाम से जानते थे. एंड द सेम जो हमने दिल्ली सल्तनत में पटवारी की बात करते हैं, सेम हम यहां पे भी पटवारी की बात करते हैं जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करता है. ठीक है, तो हमने ये बात किया कि अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सॉरी, जो आपका मुगल टाइम पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था. हमने बात किया कि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था. ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक बात करेंगे कि कुछ स्पेशल फीचर्स भी जोड़े गए हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो अकबर टाइम पीरियड का, कि अकबर टाइम पीरियड में कुछ स्पेशल फीचर्स क्या ऐड किए गए, तो अकबर टाइम पीरियड की जब बात की जाती है तो उन्होंने एक मनसबदारी सिस्टम की बात की थी. तो थोड़ा सा हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि आखिर एक मनसबदारी सिस्टम क्या था. देखिए, मनसबदारी जो आपका जो इट्स लाइक पोजीशन. ठीक है, इट्स लाइक मतलब मनसब मींस इट्स लाइक रैंक. एंड द मनसबदारी उस समय जो था वो रैंक, इट्स लाइक रैंक था. ठीक है,
एंड जो रैंक जो उनकी दी जाती थी वो सबसे लोवेस्ट रैंक क्या होती थी, लोवेस्ट रैंक 10 एंड द हाईएस्ट रैंक वाज 1000, ठीक है, जो कि नोबल्स को दी जाती थी. इट वॉज लाइक ए रैंक और द पोजिशन, ठीक है. एंड द रैंक वॉज फर्दर डिवाइडेड इन टू द टू कैटेगरीज, ठीक है. द टू कैटेगरीज वर फर्स्ट कैटेगरी वॉज जत एंड द सेकेंड कैटेगरी वॉज सवार, ठीक है. इसका मतलब क्या होता था, जो जत का मतलब होता था इट मीन्स पर्सनल एंड इट फिक्स्ड पर्सनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन. जत जो होता था वो पर्सनल से रिलेटेड होता था कि उसका जो पर्सनल जो आदमी था उसके स्टेटस को बताता था. एंड अगर हम बात करते हैं सवार की मतलब क्या है, सवार का मतलब है कि नंबर ऑफ कैवेलरी मैन ऑफ ए पर्सन, ठीक है, हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ठीक है. यहां पे ये भी बात की जाती है कि एवरी सवार हैड टू मेंटेन एटलीस्ट 2 horses, ठीक है. तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मनसबदारी सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे ये बात कर रही है, जत की भी बात की जाती थी, सवार की भी बात करते हैं. जब सवार की बात आती कैवेलरी मैन की भी बात आती थी, ठीक है, कि कम से कम जो होते थे कि सभी सवार को एटलीस्ट 2 horses मेंटेन करते हैं, तो ठीक है. तो ये मनसबदारी सिस्टम था, एक मोर एफिशिएंट वे टू एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है. तो यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम जो कि स्पेशली रिलेटेड था अकबर से, ठीक है. एनीथिंग लेफ्ट, वी हैव एनीथिंग लेफ्ट, नथिंग, वी हैव, ठीक है. तो हमने यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आखिर मैं इन सब चीज़ों का बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं इन चीज़ों की बात ये करना इस वजह से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक माइंड में हमारा क्लियर, ये हमारे माइंड में ये बना हुआ है कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आया है दैट वॉज मेनली इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फॉरेन अकाउंट्स, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है. अगर हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो आप देखिए ना कैसे जो अभी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हम उसको कहीं ना कहीं जो हमारे हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उससे कंपेयर कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है. तो इस वजह से हम आपको यहाँ पे, हम इस वजह से हमारे यहाँ पे 4 modules हो गए, ये 4 modules हो गए जिसमें हमने अलग अलग रीजन्स को कवर किया, अलग अलग टाइम पीरियड को कवर किया और एक सीक्वेंस में हमने हम जानना चाहे कि कैसे इमर्जेंस हुआ है. यहाँ पे हमने क्यों आखिर इतना क्लियर पिक्चर क्यों आपको दिया, देखिए ना कैसे क्लियर पिक्चर इमर्ज हो रहा है, यूनिट्स कैसे चेंज हो रही हैं, डिपार्टमेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो एक क्लियर इमर्जेंस हो रहा है आपका. आप जो देखेंगे कि कैसे इमर्ज हो रहा है, इस वजह से इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी था, ठीक है. इसके बाद देखिए, अब ये इसके बाद क्या आता है, जो मुगल एम्पायर की बात करते हैं, इसके बाद कौन आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है, जो कि हमको पहले से पता है कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी चेंजमेंट किया यहाँ पे, पॉलिटिकल सिस्टम में भी काफ़ी चेंजमेंट किया, ठीक है, काफ़ी चीज़ उन रूल, नए नए रूल बुक्स में भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐड की. तो देखिए अब स्पेशली हम ब्रिटिशर्स की उनकी क्या पॉलिसीज क्या क्या थी, ठीक है, उनके मेजर एक्ट्स क्या क्या थे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे क्या स्पेशली हम आएंगे रेगुलेटिंग एक्ट पे, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पे हम आएंगे, बात करेंगे चार्टर एक्ट पे बात करेंगे हम, जहाँ पे आपका 1813 वाले चार्टर एक्ट की बात करेंगे, फिर 33 की भी बात करेंगे, उसके बाद हम 1858 वाला जो एक्ट है उसकी बात करेंगे, 61 वाले एक्ट की बात करेंगे, 92 वाले एक्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम जो आपका 35 वाला जो एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे. सो मेनी थिंग्स वी विल टॉक, ठीक है. हम अब स्पेशली हम उन ब्रिटिशर्स के जो मेजर एक्ट्स थे, जो आपका करेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो इमर्ज होके आया है वो कैसे आया है, उनका क्या इन्फ्लुएंस है, उनका क्या रोल है, क्या उन्होंने पीछे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको फॉलो किया है, क्या पूरा एक चेंजमेंट किया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक क्लियर पिक्चर वहाँ पे आपको देंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम बात स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है. और देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये हमारे जो भी टॉपिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो हमारा ऑलरेडी जो हमारा फेसबुक पेज है, हमारा टेलीग्राम चैनल है,
यहाँ तक कि आप YouTube में भी कमेंट बॉक्स में अपने जो आपके जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हैं और हमारे टीम मेंबर्स जल्दी से जल्दी उन चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और यूट्यूब हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और एंड प्लीज़ आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इससे क्या होगा कि हम नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको देते हैं वो आप तक पहुंचेगा और आपको आपका नोटिफिकेशन आपका आएगा और आप जुड़े रहेंगे। दूसरी चीज़ें मैं आपसे बात करूंगा कि हमने जैसा कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारी अब सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। हमने हमारे जैसा कि ऋषि जी आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दिए हैं, उन्होंने एक सिलेबस का डिटेल एनालिसिस किया है, अर्चना जी भी अपना जो उनका मेजर पोर्शन है ज्योग्राफी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने जो आपका डिटेल सिलेबस एनालिसिस है वो ऑलरेडी दे दिया है। और अगर बात करते हैं दीपक जी की, दीपक जी भी सिलेबस एनालिसिस के साथ साथ उनका जो बिल्कुल उन्होंने स्टार्टिंग से एक स्टार्ट हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है। तो हम आपको एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही साथ आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने लाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ जो लेफ्ट हो जाता है वो करेंट अफेयर है। देखिए, करेंट अफेयर का जो हमारा जो प्लान है, हमारे टीम मेंबर्स का जो प्लान है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, करेंट अफेयर को हमारा सबसे पहले जो भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे उनके जो मेजर पोर्शन होंगे, सबसे पहले वो अपना मेजर पोर्शन लेंगे और जो करंट अफेयर होगा वो उससे रिलेटेड ही जो करंट अफेयर आएंगे वो आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो ज्योग्राफी के रिलेटेड करंट अफेयर होगा वो ज्योग्राफी का टीचर आपसे डिस्कस करेगा, अगर पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर होगा तो पॉलिटी का टीचर आपसे डिस्कस करेगा, एंड इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर होगा तो इकोनॉमिक्स का आपका टीचर डिस्कस करेगा, और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा वो हिस्ट्री का टीचर डिस्कस करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग का जो एक मेजर प्लान है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर आता है वो मेनली वन ईयर का आता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कि हम आपका केवल वन या टू मंथ्स का कवर करेंगे, हम पूरा एक वन ईयर का करंट अफेयर आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे विथ फुल एनालिसिस, क्योंकि हमने पहले ही बात किया कि हम मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और हमारे देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जब करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो हम मेनली जो फोकस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो भी इशूज वन ईयर के हुए हैं हम उन इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक डिटेल डिस्कस करेंगे जिसकी वैल्यू होगी वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीटी एग्जामिनेशन की, देखिए पीटी पर्सपेक्टिव से सब कुछ यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या हमारे टीम मेंबर्स ने क्या प्लान किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे, स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर, ठीक है। एंड हम ऑलरेडी उसका शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। तो आपसे हमारी ये हमारी गुजारिश है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी डेली जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर इशूज़ हैं, जो भी आपके करंट अफेयर टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा पाए, ठीक है। एंड उसके साथ हमने वीडियो का लिंक भी हमने उसके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों के बीच फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और आपके सामने एक अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी इस मॉड्यूल को समाप्त करना चाहूंगा, हम नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे विद द रेगुलेटिंग एक्ट। नमस्कार दोस्तों।